अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी बकरता त्रिज्या की होती है तो जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है तो वो बकरता त्रिज्या से क्या होगा आधा होगा क्योंकि आप देखेंगे तो फोकस दूरी या होता है और इससे दुगना दुगनी पर क्या होता है बकरता त्रिज्या तो याद रखिएगा आधी मेरे भाई जो हम पे विश्वास करते एक परसेंट अगर आपको ट्रस्ट है तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा मजा आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा लेंस अब सारी लेंस कहलाता है ये सब क्वेश्चन आता भी है और ऐसे भी आता है कि अब तक लेंस को अब सारी लेंस क्यों कहते हैं ये भी हम आपको सब्जेक्टिव में बताए हैं इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थर्ड नंबर देखिए तो निर्बाध में प्रकाश की चाल क्या होती है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार छपता है ठीक ना तो थीरी गुने दस के पावर आठ मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है तो ये हम बताए थे आपको आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है तो सर जी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ठीक है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण फाइव नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है आप पढ़ेंगे तो कि दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं ठीक है निकट दूर और जरा दृष्टि दोष तो ये बताइए कि नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाता है तो याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करते हैं ये आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए है, किस को अवतल और उत्तल दोनों से बने किया जाता है। दोनों बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं इस प्रकार बोलिए सर जी इतना नॉर्मल क्वेश्चन आता है मेरे भाई ये क्वेश्चन कम से कम तीन से चार बार आया है ठीक है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा जनित अब मुझे पता है जो मेरे क्लास प्रतिदिन देखते हैं हम बहुत सारे बच्चे को नाम भी ले सकते हैं और आप लोग एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आज लाइव नहीं था फिर भी आप लोग आए थे और क्लास देखे थे एट नंबर देखिए प्रकाश की किरण गमन करती है ये सब क्वेश्चन आता है मेरे भाई एग्जाम में तो सभी बच्चे जानते हैं सर जी सीधी रेखा में ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं आगे बढ़ते हैं हजामत के लिए प्रयास तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है आपको काफ़ी बार बताए हैं कि हजामत हो रोगी हो डॉक्टर हो सब मेरे प्यास तो कौन सा करेगा अवतल करेगा क्योंकि इसमें बड़ा दिखता है सिर्फ गाड़ियों के साइड मिरर और गलियों के स्ट्रीट लाइट में उत्तल होता है बाकी सब अवतल लगाइएगा किसी विद्युत धारावाहिक की सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है तो भीतर में प्रयास तो इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है ठीक है याद रखिए दस का सी ऑप्शन नंबर ग्यारह देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर ग्यारह निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने या बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है तो सिंपल सीं, आप लोग जान रहे हैं मेरे भाई अभी क्या सी एन जी सर जी क्योंकि सी एन जी से गाड़ी चलता है और सी एन जी का पूरा नाम प्रयास तो कम्पोनेशेड नेचुरल गैस होता है और जबकि एल पी जी के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है ठीक है आप मुझे हिंदी में कमेंट करके बताइए कि एल पी जी का हिंदी में क्या होता है ठीक है कहिए सर जी ले पुड़ी घसक ले पुड़ी घसक नहीं मेरे भाई बारह नंबर देखिए डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, को बदलता है, ठीक है? याद रखिएगा घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है विद्युत देखिए तार नहीं जी ये तो बचाता है उच्च धारावाही शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा ठीक है इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध देखिए सिंपल ट्रिक प्रतिरोध यानी आपका प्रश्न तो लग रहा है ना कि सर जी विरोध करेगा तो अगर आपको कोई विरोध कर रहा है तो आप क्या कीजिए ओम का नाम लीजिए ओम का नाम लेने से आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा यानी प्रतिरोध यानी सर जी ओम एम्पेयर किसका होता है आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं ठीक ना देखिए यही चीज लाइव होता है तो हम सब चीज आपको बताते कि जूल किसका है बोल्ट किसका है ठीक है तो ये बताइए प्रयास तो एम्पेयर किसका होता है आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए परिपथ में विद्युत धारा मापने किससे की जाती है विद्युत धारा को प्रयास तो किससे करते हैं? एमीटर से और यहीं पे विभवांतर की बात रहेगा तो वोल्ट मीटर से ठीक है विभांतर की बात रहेगा तो वोल्ट मीटर से देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा होता है तो सर जी अवतल होगा अवतल होगा ठीक है प्रयास तो उत्तल में बस दो तीन याद रख लीजिए और बाकी सब अवतल का होता है आगे चलते हैं अब हम लोग देखिए आपको दिख रहा होगा सर जी नंबर में क्योंकि सोलह क्वेश्चन हम लोग किसका कर लिए फिजिक्स का सोलह करेंगे का करेंगे बायोलॉजी का एलकेन का सूत्र ये मेरे प्यास्त तो तीन गो सूत्र होता है मेरे भाई एग्जाम में छपता एक एलकेन हो गया तो हम आप सिंपल आपको याद करवाए हैं कह दो न प्लस दू तो ये मेरे पास तो देखिए कह दीजिए ना प्लस दू कह दो ना माइनस दो माइनस दू किसका होता है सर जी एलकाइन जहां भी तो कान लग जाए काइन मतलब कहते हैं ना कि कान है इसमें कुछ भाई गलत है तो सर जी एल्काइन हो जाएगा और ये बंडा एल्किन रहता है बंड ठीक है याद रखिएगा एल्किन सुंदर नाम है तो प्लस टू एल्काइन कान है सर जी कुछ इसमें निगेटिव है तो माइनस एल्कीन बंड है सर जी तो बस यही तीनों होता है और ये तो किसकी का हो नहीं करेगा यहाँ से तो एक क्वेश्चन कंफर्म है जो भी बच्चा अगर ये तीनों याद कर लिए ना तो एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा हर बार एग्जाम में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दो सोडियम की संयोजकता क्या होती है याद कीजिए उस गाना को जब हम केमिस्ट्री चैप्टर वन पढ़ाए थे तो बताए थे कि मेरे तो क्या बताए थे जी गाना कैसे था ध्यान दीजिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम पोटेशियम, लिथियम मर्क्यूरस हाइड्रोजन, सल्फर की संयोजकता एक होती है जितना भी गाना में नाम आया है ना सभी को प्यास तो क्या होगा एक होता है संयोजकता और दो वाला ही बताए यही दो को एग्जाम में भी करता है एक और दो वाला तो आप लोग नहीं देखें अगर सब्जेक्टिव वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा वहीं से तो सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका निम्नलिखित में से किस बिलियन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है तो उन्हींस का आप लोग कमेंट करके बताए प्यास्तो तो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सी डबल ओ एच अब क्रियाशील मूल किसका है सर जी तो जहाँ भी आपको सी डबल ओ एच मिल जाए ना तो प्यास्तो अम्ल को लगाइएगा सर जी इधर को क्या होता है तो सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एल डी हाइट का प्यास्तो सी एच ओ ठीक है कीटोन का पैस तो सिंगल बॉन्ड सी ओ याद रखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है किसी भी बिलियन के पीएच मान होता है तो आपको पता है कि सर जी पीएच मान जो होता है वो जीरो से लेके चौदह तक होता है अगर सात है तो सर जी उदासीन होगा लेकिन अम्लीय पूछा है तो सात से कम ठीक है तो सी नंबर को करेंगे अच्छा ये पूछता तो सात से अधिक अब एक चीज और आप लोग कमेंट करके अभी जस्ट बताइए कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था बताइए ये क्वेश्चन आपके प्रयासों में पूछे हैं पी एच स्केल का खोज किसने किया है फटाफट कमेंट करके बता दीजिए मुझे बाईस का देखें प्रयासतों ये आपको एक समीकरण दिया गया है कौन सब क्रिया है तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो सर जी ये दीव विस्थापन है ठीक है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है ये इसके साथ जुड़ गया ये के बी एस के साथ जुड़ गया मेरे भाई आई एन ए टू सी एल टू के साथ चलिए पारे अक्स है पारा में पैस तो किसका एक्स है तो सिंपल आपको याद होगा कि सर जी बॉक्साइड किसका होता है तो एल्युमोनियम का होता है एलुमोनियम का संकेत तो पता ही है एल इसका परमाणु संख्या प्रयास तो सैतालीस होता है और आप याद रखिएगा हेमेटाइट हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये प्यास तो किसका होता है एफी एफ यानी लोहा लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है छब्बीस एग्जाम में ये पूछा गया है तो ये सिनेवार के होगा सिनेवार का निष्कर्षण किससे होता है पारा से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड से और लोहा का निष्कर्षण प्रयास तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट चलिए आगे देखते हैं एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते ये पढ़ाए थे प्रयास तो चैप्टर फोर में केमिस्ट्री का कि जिसका सूत्र तो एक ही हो लेकिन उसका संरचना क्या होता है विभिन्न हो जाता है तो उसे सर जी समाव्य कहेंगे क्या कहते हैं समावयवी बहुत ही अच्छा देखिए निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है तो ये तो प्रयास तो तीनों प्रबल अम्ल आ जाएगा पच्चीस का डी नंबर ऐसे अगर आपको सिर्फ एक देखने के लिए मिलेगा तो ज्यादा एच टू एच ओ फोर जाता है चलिए विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध या भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है तो याद रखिएगा ए नोड पे आगे चलते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे अभिक्रिया तो सबसे अधिक धातु हम आपको पढ़ाए थे इसका भी ट्रिक दिए थे कि पोके सोम लेजी लेता पाचा शो तो प्रयास तो पो <laughs> कै सो सर जी ये क्या है तो पो से पोटेशियम क्या से कैल्शियम और सो से सोडियम तो सबसे अधिक अव क्रियाशील इस समय तो देखिए ये तो प्रयास तो सोना है तो ये तो सबसे कम होता है अवक्रियाशील क्योंकि ये तो क्रिया करता ही नहीं कॉपर तो ये तो नीचे एच डी भी तो हो होगा नहीं करिएगा प्रयास तो तो ये नहीं चलिए देखिए पोटेशियम सोडियम सॉरी पोटेशियम कैल्शियम सोडियम क्योंकि पोके सो में लेचा एता पचा सो ऐसे एक ट्रिक होता है ठीक है आगे देखिए एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य के समूह कौन है तो एल्डिहाइड डी हाइड और प्यास्ट तो आपको पता है कि सर जी सिंगल बॉन्ड सी एच होता है आप पूरे अच्छे से देखिए और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको पी डी एफ भी मिल जाएगा कहाँ मिलेगा सर जी तो जो भी पेड बच्चा पेड ग्रुप में जुड़े हैं ना उनको तो दम अवश्य मिल जाएगा ऐसे हम ट्राई करेंगे कि टेलीग्राम पर भी आपको डाल दें ताकि सभी बच्चे को भला हो जाएगा क्योंकि ये एग्जाम वाला प्रश्न है अगर जितना हम आपको दस को सेट कराएंगे अगर इतना ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं आपका एक ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएगा आपको कोई जरूरी नहीं है दस वो बुक पढ़ने से हम पैस तो जो आपको दे रहे हैं वो अपने आप में बेस्ट है अगर आपको विश्वास है तो जरूर हमसे पढ़िए विश्वास नहीं है तो आप भीड़ वाला हिस्सा में पढ़िए ठीक है जहाँ भीड़ बहुत सारे है वहां पर पढ़िए आपको कोई दिक्कत नहीं है उपचैन व क्रिया जिसमें होता है तो ऑक्सीजन का योग होता है सही बात है सर जो ऑक्सीजन जुड़ जाता है हाइड्रोजन का वियोग होता है सही बात है वियोग मतलब पैस तो हाइड्रोजन को त्याग किया जाता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ ध्यान दीजिए तो कॉपर ऑक्साइड है और क्या हुआ है ऑक्सीजन निकासी हुआ है तो ये कौन सब क्रिया है बताइए ऑक्सीजन को त्याग कौन सब क्रिया में करते हैं तो वो अपचैन में उपचैन अप में क्या करता है ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन लेता था सर जी इलेक्ट्रॉन संस्थान्तरण बने योगी ये सब क्वेश्चन भाई एग्जाम में काफी बार आया है तो क्या होगा वैधुत संयोजी वैधुत संयोजी आगे ध्यान देते हैं पीतल उदाहरण है तो आप ही बताइए पीतल किसका उदाहरण है तो पीतल सर जी मिश्र धातु का है क्योंकि पीतल के सिंपल हम ट्रिक आपको दिए थे तो जी का टीका नहीं तो सिंपल याद रखिएगा पीता जी पीता जी पी से पीतल ता से तांबा जी से जिंक तांबा और जिंक का मिश्रण होता है तो ये तो मिश्र धातु है चलिए याद रखिएगा ट्रिक से याद रखने में ना आपको कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि एक तो आपसे कासा भी पूछा जाता है तो जी का टीका इसके लिए टीन होता है और कॉपर होता है SMG काटी का भी याद करवाए थे आप लोग को अब मेरे पास तो देखिए 16 क्वेश्चन उसका करवा दिए और 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो गया 32 हो गया अब 16 हम लोग करेंगे लास्ट में बायोलॉजी का ठीक है मेरे भाई देखिए निम्नलिखित में नर युग्म कौन है नर युग्म यानी सर जी शुक्राणु है शुक्राणु प्यास तो नर के भाग है चलिए जिवेरलिंस क्या है आपको हम पादा हार्मोन बताए थे तो ये सर जी हार्मोन है पादा हार्मोन कितने होते हैं पांच होते हैं चलिए आगे देखते हैं प्यास तो

ठीक है हंड्रेड परसेंट लिख के ले लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने में काम आता है तो आपको चेहरा पे हम क्या बिग देंगे जो आपका चेहरा मुरझा जाएगा तो बोलिए सर जी एसिड बिक दीजिए ना तो मुरझा आ जाएगा यानी अम्ल तो एफ सी सिक अम्ल बहुत ही अच्छा सर जी ऑक्सीजन क्या पैस तो ये शीर्ष भाग में पाया जाता है फल किससे पकता है भी क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा एथिलीन से मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा बड़ी ग्रंथि ओ हो हो सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है तो बहुत इजी क्वेश्चन है यकृत इसी का दूसरा नाम लीवर है और इसका वजन कितना होता है मेरे भाई ये आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए इसका वजन कितना होता है बताइएगा ठीक ना दो चार क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मज़ा आएगा मुझे लगेगा कि हाँ बच्चा देख रहे हैं और आपके पास ज्ञान है लेकिन अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे लगेगा हो अभी आपको बहुत मेहनत की जरूरत है ना जी रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त और जो जम जाता है वो किसके कारण तो रक्त रक्तान और रक्त रक्तु आपको कहीं कहीं आपको प्लेटलिस्ट लिखा रहेगा तो प्लेटलिस्ट लगाइएगा ठीक है तो यहाँ पे प्लेटलिस्ट तो है नहीं ऑप्शन में तो रक्त विवाणु ब्रीक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में आया है नेफ्रॉन ठीक है नेफ्रॉन आगे देखते हैं अलैंगिक जनन ये सिक्सुअल रिपोर्ट मुकुलन द्वारा होता है तो जहां भी आपको मुकुलन दिख जाए ना तो ईस्ट लगा दीजिएगा ठीक है जहां भी मुकुलन दिख जाए ईस्ट लगा दीजिएगा एक बैक्स मनुष्य में कितने दांत होते हैं एक बैक्स मनुष्य में कितने दांत होते हैं बैक्स मनुष्य तो जिनका उम्र समझदार मतलब समझदार व्यक्ति तो वो थर्टी टू सब जी निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है प्राकृतिक संसाधन प्रयास तो आपको पता होगा कि जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है तो कौन मानव के द्वारा बनाया गया बताइए तो फोर्टी फोर का कमेंट कीजिए आप लोग चलिए बताते हैं देखिए तो वायु मृदा जल ये समय प्राकृतिक तो तो जीवधारी आगे देखते हैं इंसुलिन की कमी से होता है इंसुलिन की कमी से प्याश तो कौन सा बीमारी होता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो याद रखिएगा मधु में इंसुलिन की कमी से मधु में और आयोडीन की कमी से घेघा रोग ठीक है चलिए मस्तिष्क उत्तरदायी है मस्तिष्क उत्तरदायी प्यास फोर्टी तो सिक्स का याद रखिए इनमें सभी हृदय के संबंधन भी करता है सोचता भी है शारीरिक संतुलन के लिए भी ऑक्सीजन क्या है मेरे भाई ये एग्जाम में आता है बच्चा फंस जाता है इसको क्या करते हैं ना बसा लगा देंगे ऑक्सीजिन एक हार्मोन है ठीक है चलिए और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है मेरे भाई ये पीडीएफ आपको पेड वाला मिल जाएगा अगर आप लोग भी पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर पर प्रयास तो आप लोग मैसेज कीजिएगा मैसेज वही बच्चा करेंगे जो तैयारी एकदम साइलेंट होकर अलग तरीका से करना चाहते हैं हंड्रेड परसेंट प्रयास तो यही सब पढ़ के आपका नाइन्टी प्लस नंबर साइंस में आने वाला है जो हम दे रहे हैं ठीक है मेरे पास तो जिनको भी पेड ग्रुप में जुड़ना होगा उनके लिए दो सौ उनचास रुपया लग रहा है तब ये मैसेज कीजिएगा अब मेरे भाई इसका पी हम डाल देंगे टेलीग्राम पर भी और इसका आंसर भी दिया हुआ है प्लस में कुछ कुछ में प्रयास दो ये पी तो आपको मिलेगा तो कुछ कुछ का क्या किया गया ना कि एक्सप्लेन भी किया गया है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो ये कैसा लगा और 48 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जवाब देना है और बहुत अच्छा से हम आपको बताए हैं अगर आपको विश्वास है तो जरूर ये सब क्वेश्चन को एक से दो बार देख के याद कर लीजिए यही सब एग्ज़ाम में आपको आने वाला है तो फिर मिलेंगे प्रयास तो कल की क्लास कल क्लास आपका लाइव पक्का होगा मेरे भाई आठवीए में ठीक ना तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत